तो ये कक्षा चार की बात है और ये मार्च का महीना था। उस समय हम पत्तियों पर काम कर रहे थे, पेड़ पौधों की पत्तियों को जानना और उनके विभिन्न शेप और पत्तियों का जो उनमें फ़र्क महसूस करना। तो उसमें एक DI की वर्कबुक से हम रेफरेंस का तौर पर काम ले रहे थे और उस दौरान उसमें एक छोटा सा एक्टिविटी था जिसमें चित्र बना हुआ था और उसमें वाष्पोषण जैसा कुछ नाम नहीं था, लेकिन इतना ही था कि पॉलीथीन थैली से बांधने पर पत्तियों पर पानी आता है या नहीं आना है। तो ये योजना में मैंने शामिल कर लिया और मैं क्लास में गया और उस दिन ये काम हमने किया कि पौधे लिए हमने दो और उनमें पॉलीथीन बांधी और उसके बाद में 1 घंटे बाद में हमने ये देखा कि पत्तियों पर पानी आ गया था। बस इतना काम करके हम दूसरे दिन ये रखा कि जो भी आज काम किया है उसकी कल थोड़ी चर्चा कर ली जाएगी। दूसरे दिन जब मैं क्लास में गया तो मुझे ऐसा था कि बच्चे बस इतना ही बताने वाले थे कि हमने ये काम किया था और पत्तियों पर पानी आ गया, लेकिन मेरी आशा से बिल्कुल अलग विद्यार्थियों ने हट करके और इतनी गहराई तक सवाल किए जो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के क्या सवाल थे। जब मैं बच्चों से ये पूछ रहा था कि भाई हमने कल क्या किया, तो बच्चों के कुछ इस तरह से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सर जब हम काम कर रहे थे तो पौधे में एक पौधे में तो गंदा पानी मिला और एक पौधे में हमें साफ पानी मिला, ठीक है, और एक जो हमने छोटी पन्नी थी इसलिए उसमें कम पानी मिला और उसमें पत्तियाँ भी कम थी, और जबकि दूसरी बड़ी पन्नी थी उसमें ज़्यादा पत्तियाँ थी, और एक पौधे में मतलब जो है हमने पानी डाला था इसलिए उसमें पानी मिला और एक पौधे में हमने पानी नहीं डाला इसलिए पानी मिला। तो कुल मिला के बात यह है कि इतना सारा बच्चों में कन्फ्यूज़न एक दूसरे की बातों में था कि एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और खूब देर तक ये चर्चा चली तो उसका कोई मतलब एंड नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट था वहाँ पर कि इस चर्चा को इतने सारे जो सवाल आ रहे हैं इनको क्या कहीं प्लान में रख करके और आगे काम किया जा सकता है क्या, जहाँ पर बच्चों की जिज्ञासाएँ शांत तो नहीं हों लेकिन और ज़्यादा उसमें कुछ रोचक काम किया जा सके। और मैं ये समझ गया था कि यहाँ पर कुछ कंसेप्ट चेंज की बात हो रही है, जहाँ पर बच्चे अपनी बात को लेकर के अड़ी गए और वो दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। इसलिए हमने उसको उस दिन छोड़ दिया और दूसरे दिन हम कुछ तैयारी और प्लान के साथ में वहाँ पर गए और मैंने ये सोचा कि अच्छा बच्चों के साथ ही ये तय कर लिया जाए। और बच्चों ने कहा कि सब ठीक है कि हम ये कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। और जब बच्चों के सवालों पर हम आए तो बच्चों ने मुझे कुछ 10 पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिए कि अब हमारी मर्जी से काम होगा, आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो बच्चों के ये पॉइंट थे कि आज हम बराबर पॉलीथीन लेंगे, नहीं तो छोटी लेंगे नहीं बड़ी लेंगे, और इवन जो पौधा लेंगे उसकी पत्तियाँ 30 गिन करके ले लेंगे। एक जैसा पौधा लेंगे, पौधा अलग अलग नहीं होगा हमारे पास में, और दोनों पौधों को हम क्या करेंगे धूप में रख देंगे और उनमें पानी नहीं डालेंगे। ये इसलिए बात आई कि माली गया और वहाँ पर उसने पीछे से जाकर पानी डाल दिया और बच्चों में कन्फ्यूज़न हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा पौधा ले लेंगे जहाँ पर उनमें दोनों में पानी नहीं होगा और उसको धागे से बांध देंगे ताकि पानी नीचे की ओर ना निकले, और पॉलीथीन होगी वो साफ होगी क्योंकि वो हमने जब पता लगाया कि वो पानी गंदा क्यों था, आटे की थैली थी और इसलिए वो पानी उसके साथ मिला और गंदा हो गया। और सभी बच्चे मिलकर काम करेंगे क्योंकि कई लोग चीटिंग कर लेंगे, बच्चों का ऐसा कहना था, इसलिए हम एक दूसरे का देखेंगे। और आसपास में पौधे बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 ही पौधे रखेंगे और पौधे को हम टेढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि एक बच्चे का सवाल था कि जब पौधा खड़ा रहेगा तो जो जितना भी पानी उसमें पत्तियों में आ रहा हो सकता है रिस्क करके नीचे आ जाए, तो हम इस तरह से पत्तियाँ लेंगे और उनको यहाँ से बांधेंगे ताकि जो पानी है वो इधर ही इकट्ठा हो जाए नीचे की ओर ना गिरे। और इस तरह का जब बच्चों ने काम किया तो ये काम करने के बाद में हमने जब रिजल्ट डिस्कस किया तो बच्चों का बड़ा मतलब ये अच्छा काम रहा, और उसमें हमारे पास में अब ये और आगे थोड़ा चैलेंज देने के लिए भी हमारे पास में ये मौका था कि जब बच्चे इतना कर रहे तो क्यों नहीं इनको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दे दिया जाए। तो फिर हमने कहा कि भाई ये काम तो आपने कर लिया है, अब ऐसा करते हैं कि उस रिजल्ट को थोड़ा बाद में कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, ये अगर हम अच्छे से और सही से बराबर से काम करें तो शायद हमें जो पानी वो पत्तियों से निकलने वाला है वो सही मिलेगा, और जब सब इस तरह से सावधानी रखेंगे तो प्रयोग में किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फिर हमने 3 ग्रुप बनाए उसमें टास्क को चैलेंज देने के लिए, और
एक ग्रुप को ये दे दिया कि भाई आप पौधे को अगर धूप में रखेंगे तो क्या होगा और छाया में रखेंगे तो क्या होगा, तो एक ग्रुप जो था वो पौधे को धूप में रखकर काम किया, एक ग्रुप जो था उसने छाया में रखकर काम किया, और एक जो मैंने उसमें चैलेंज रखा कि भाई पानी जो है पत्तियों से ही निकलता है या तना से भी निकलता है, तो उसके लिए बच्चों ने मार्च का महीना था और एक पौधा ऐसा मिल गया जिसकी पत्तियां जड़ चुकी थी और उस पर उन्होंने तने पे पॉलीथीन बांध दी जो भी उसकी डालियां निकली हुई थी, और उसमें जब हमने रिजल्ट देखा तो बच्चों का पहले ये सोचना था कि इस तने से तो हमको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमने ये देखा कि उस तने से भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी बूंदों के रूप में मिला था, तो इस तरह का जब हमने काम किया तो ये लगा कि बच्चों की जो जिज्ञासाएँ होती है और उनके जो सवाल होते हैं अगर उनके अनुसार काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है कि जब हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात नहीं, जितनी सारी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स उसमें कवर हो जाती है, एप्लीकेशन मोड आ जाता है, और इस तरह से बच्चे जब काम करते हैं मिल कर के तो अच्छा होता है।